मलाकी पत्री 4 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। मेरे मित्रों, हम यह ना सोचें कि 7वें दिन जब परमेश्वर ने विश्राम किया तो वह बैठ गया और कहने लगा, मैंने 6 दिन तो काम किए हैं, अब मैं थक कर चूर हो गया हूं, इसलिए मैं विश्राम करूंगा। यहां पर विश्राम का अर्थ यह नहीं है। यहां विश्राम का अर्थ है काम पूरा करना। सृजन कार्य पूरा हो गया था, उसके बाद परमेश्वर ने सृजन कार्य नहीं किया, कोई सृष्टि नहीं की। उसे इस जगत के लिए जिस किसी वस्तु की आवश्यकता थी उसे उसने उसी समय बना दिया था। परंतु जगत में तो परिवर्तन आते रहते हैं। यह इसलिए है कि परमेश्वर ने जो छोटे से छोटे अणु बनाए थे वे नया नया रूप धारण करते रहते हैं। आज हमारे जगत का सृजन कार्य पूरा हो चुका है, अब नई सृष्टि का कार्य बाकी है। यह नई सृष्टि कलवरी और पेंतिकोस्त पर आरंभ हुई थी। 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 17 पद में पौलुस कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। जी हाँ, आज परमेश्वर केवल परमेश्वर के पुत्रों की रचना का कार्य कर रहा है। यह कार्य मसीह में विश्वास के द्वारा पूरा होता है और उनके लिए उसने विश्राम की प्रतिज्ञा की है। परमेश्वर ने स्वर्गिक विश्राम की प्रतिज्ञा की है, परंतु मेरे प्रियो, वह चाहता है कि हम इस समय भी आनंद मनाएं। किसी ने कहा है, स्वर्ग तक स्वर्ग ही स्वर्ग है, हमें इस जीवन का आनंद लेना है। लेखक यही कहना चाहता है, परमेश्वर ने विश्राम किया अर्थात अपना काम पूरा किया, अब आपको उंगली भी नहीं हिलाना है कि उद्धार के काम में कुछ करें। क्या यह हमारा अभिमान नहीं कि हम सोचें कि हमारे काम देखकर परमेश्वर कहे, ओह तू कैसा प्रिय बालक है, मैं तुझे स्वर्ग में अवश्य ले लूंगा अर्थात ले चलूंगा, क्योंकि तू वहां आनंद बढ़ाएगा। मेरे मित्रों, ऐसा नहीं है। हमारी धार्मिकता परमेश्वर के सामने मैले चित्रों के समान है। रोमियों की पत्री 3 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, वह हमारे लिए परिपूर्ण उद्धार उपलब्ध कराता है और प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। नई सृष्टि का मतलब है कि हमारे जीवन, हमारे स्वभाव बदल जाते हैं और प्रभु यीशु हम में हो करके अपने कार्यों को करता है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय के 11 पद में लिखा है, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। मेरे विचार में परमेश्वर की संतान को मिलने वाली सबसे महान संतोष यह है कि वह परमेश्वर की इच्छा में है और परमेश्वर का काम करता है, उसमें विश्वास करके विश्राम पाता है। यही वह महिमामय स्थान है जहां परमेश्वर चाहता है कि हम रहें। मरियम इस स्थान में थी, वह प्रभु यीशु के चरणों में बैठी थी, जबकि मार्था रसोई में व्यस्त थी। मार्था प्रभु की सेवा कर रही थी, परंतु उसे सच्चे विश्राम का अनुभव नहीं था। वह रसोई में काम करते करते क्रोधित हो गई थी। मरियम केवल प्रभु यीशु के चरणों में बैठी थी, उसने काम कर लिया था। हमें प्रभु यीशु के चरणों में बैठना है। लिखा है, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का यत्न करें। अब कोई पूछे, क्या मुझे विश्राम में प्रवेश करने के लिए परिश्रम करना होगा?
यह वैसा ही है जैसा एक व्यक्ति ने कहा, मैं अपने घर में शांति चाहता हूँ, चाहे मुझे लड़ना ही क्यों ना पड़े। मैं कहता हूँ कि शांति लाने के लिए आपको युद्ध करना और जीतना होगा। आप दिन भर काम करके जब शाम को बैठते हैं, तब क्या आपके मन में संतोष नहीं होता है? यहाँ पर लेखक कहता है, हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ओह, आज हमें परमेश्वर को थामना होगा, प्रार्थना करके, विश्वास करके, उसके द्वारा उपयोग में आकर हमें परमेश्वर को थामना होगा। मेरे मित्रों, हम इस ओर प्रयत्नशील हों, क्योंकि उसी के द्वारा हम विश्राम में प्रवेश कर पाएंगे। लिखा है, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। मेरे मित्रों, आपको विश्राम से वंचित करने वाला केवल अविश्वास है। जब से मैं परमेश्वर की सेवा में हूं, मेरी प्रार्थना है, हे प्रभु, विश्वास करने में मेरी सहायता कर। मैं अपनी सेवा में संपूर्ण समय को देकर यही कहता हूं, काश मैं अधिक से अधिक विश्वास कर पाता। अनेक अवसर ऐसे आए हैं कि मैं डर जाता हूं और विश्वास में डगमगा जाता हूं। आज मैं केवल उसी पर आश्रित रहकर विश्वास करना चाहता हूं। वह कैसा महान है, वह हमारे विश्वास के योग्य है। जी हां, आप उस पर भरोसा रख सकते हैं। इब्रानियों के पत्री 4:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। पौलुस फिर से कहता है, इसलिए और क्योंकि, ये शब्दों को अपने विचार से जोड़ने के काम में लेता है। किसी ने कहा है, आप पौलुस के विषय कुछ भी कहें, आपको यह तो मानना ही होगा कि उसकी बात में तर्क होता है। पौलुस एक अति उत्तम तर्क शास्त्री था, और मेरा मानना है कि यह पत्री उसी ने लिखी है। यहां पर शब्द है क्योंकि, क्योंकि एक छोटा सा शब्द अवश्य है, परंतु इसका महत्व महान है। किसी ने कहा है कि परमेश्वर बड़े बड़े दरवाजों को छोटे छोटे कब्जों पर चलाता है। यहां यह क्योंकि एक छोटा सा कब्जा है जिस पर एक बहुत बड़ा दरवाजा लगा हुआ है। लिखा है, परमेश्वर का वचन। कुछ टीकाकारों का कहना है कि वचन को जीवित वचन लिखना चाहिए, क्योंकि वचन प्रभु यीशु मसीह है। परंतु मेरा मानना है कि यहाँ वचन का अर्थ है लिखित वचन, क्योंकि वचन प्रभु यीशु का प्रकाशन करता है। इसलिए यहाँ वचन का अभिप्राय लिखित एवं जीवित वचन दोनों से है। परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है। मूल भाषा में इसका अर्थ है जीवनदायक। अतः परमेश्वर का वचन जीवित तो है ही, वह जीवनदायक भी है। जी हाँ, वह वचन आपके जीवन में जीवन देकर आपको आशीषमय बनाता है, आपको जीने में मदद करता है। आगे लिखा है, दो धारी तलवार से भी चोखा है। मेरे एक अध्यापक ने हम युवकों से कहा था, प्रचार करते समय स्मरण रखना कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल तो है, परंतु वह दो धारी तलवार है। यह एक ओर से श्रोताओं को काटेगा और दूसरी ओर से तुम्हें काटेगा। अतः ऐसा प्रचार कभी नहीं करना जो तुम्हारे आचरण के विपरीत हो। मेरे प्रियो, मैंने अपने प्रचार में अनेक बार यह देखा है कि मैं अपने लिए ही प्रचार कर रहा हूं। मेरा संदेश किसी और की अपेक्षा मेरे ही लिए होता था।
मेरा एक मित्र मेरे रेडियो कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग पर व्यंग कसते हुए कहता था कि मैं बैठकर अपने आप ही से बातें करता हूँ। यह सच है, मेरे प्रचार श्रोताओं को नहीं मुझे ही छूते हैं। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, वह सुनने वालों को और बोलने वाले को दोनों ही को काटता है, चुभता है, सिखाता है। मेरे प्रियो, पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को पत्र लिखा, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 13 पद में, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। थिस्सलुनीके के विश्वासियों ने सुसमाचार को साधारण वचन नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझ करके ग्रहण किया। पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय के 4 पद में पौलुस कहता है, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हम अपने श्रोताओं से पत्र प्राप्त करते हैं, वे वचन के द्वारा प्रभु यीशु के उद्धार पाकर अपने मसीही विश्वास का आनंद लेते हैं और प्रार्थना करने का आनंद पाते हैं। यह परमेश्वर के वचन का उद्देश्य है। इसका प्रभाव आप पर और आपके जीवन पर अवश्य पड़ेगा। मेरे मित्रों, कहा जाता है परमेश्वर का वचन आपको पाप से दूर रखेगा या पाप आपको परमेश्वर के वचन से दूर रखेगा। बहुत से विश्वासी परमेश्वर के वचन में पर्याप्त समय नहीं देते हैं। बहुत से प्रचारक भी परमेश्वर के वचन में पर्याप्त समय नहीं देते हैं। एक प्रचारक का सबसे अच्छा अनुशासन है कि वह बाइबल की पुस्तकों का एक एक करके कलीसिया को अध्ययन करवाए। इससे यदि कलीसिया को लाभ ना हो तो प्रचारक को तो निश्चय ही लाभ होगा। मैंने अपनी सेवकाई में ऐसा ही किया है और इससे मुझे अवश्य ही लाभ मिला है। परमेश्वर का वचन चोखा है, वह जीवित प्रबल और चोखा है जो शरीर के अंग अंग और गुदे गुदे को छेदता है। आगे हम पढ़ते हैं, प्राण और आत्मा को आर पार छेदता है। कुछ लोग प्राण और आत्मा को अलग करना चाहते हैं और मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं देते हैं, परंतु प्राण और आत्मा को अलग करने वाला केवल परमेश्वर का वचन है। हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। मैं जब प्राण की बातें करता हूँ या बातें करते हुए कहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, तो मैं देखता हूँ कि मैं प्राण और आत्मा में अंतर नहीं कर पा रहा हूँ। धर्मशास्त्र के कुछ संदर्भों में प्राण और आत्मा को एक दूसरे के स्थान पर काम में लिया गया है, परंतु कहीं कहीं प्राण और आत्मा शब्दों का प्रयोग अलग अलग किया गया है और परमेश्वर का वचन ही उन्हें अलग अलग व्यक्त कर सकता है। आगे लिखा है, गांठ गांठ और गुदे गुदे को। परमेश्वर का वचन हमारी देह में भी उतर जाता है और अंतर करता है। देखिए भजन संहिता 32:3 में, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। जांचता है का मूल अर्थ है गुण दोष देखने वाला। आज अनेक लोग बाइबल के गुण दोष देखते हैं, परंतु सच्चा गुण दोष देखने वाला तो परमेश्वर का वचन है। वह आपकी और मेरी समीक्षा अर्थात आलोचना करता है। बाइबल पर अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार मनुष्य को नहीं है। इसके अनेक कारण हैं और एक कारण यह है कि ऐसी दूसरी पुस्तक नहीं है
जी हाँ, परमेश्वर का वचन लगभग 45 लेखकों के द्वारा 1500 वर्षों से अधिक समय में लिखा गया था। इन लेखकों में कुछ ने तो अन्य लेखकों के बारे में कभी भी नहीं सुना, परंतु वे सब जो लिखते हैं उनमें परस्पर समानता है। वे सब एक महिमामय उद्धार की चर्चा करते हैं। अतः मैं कहता हूं कि ऐसी अद्भुत पुस्तक का न्याय करने योग्य मनुष्य नहीं है। आलोचक प्रायः घमंडी होते हैं, परंतु मैंने शेक्सपियर के एक आलोचक को कहते हुए सुना कि वह शेक्सपियर का न्याय करने योग्य नहीं है। वह एक दीन मनुष्य था, बाइबल की आलोचना करने के योग्य मनुष्य नहीं है। सच तो यह है कि बाइबल हमारी आलोचना न्याय करती है। यह मनुष्य को प्रभु यीशु से दूर रखने वाला पाप है। यह बुद्धि की समस्या नहीं है, मनुष्य को परमेश्वर से दूर रखने वाला मन है। आगे हम पढ़ते हैं, भावनाओं और विचारों को जांचता है। देखिए, बाइबल कर्मों की चर्चा नहीं करती है। हाथ वही करता है जो मन कहता है। इसी कारण परमेश्वर का वचन मन को जांचता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय और 19 पद में प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यह तो बड़ी ही गंदी सूची है, परंतु हमारे मन में यही है। यर्मिया की पुस्तक 17 अध्याय के 9 पद में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मनुष्य तो नहीं, परंतु परमेश्वर समझ सकता है। परमेश्वर का वचन हमारे मन की गहराइयों को जांचता है, हमारे दैनिक जीवन को जांचता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी तीखा और तेज है। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें तो निश्चय ही हम महान शांति को प्राप्त करेंगे। इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय के 13 पद में लिखा है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। आप परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं। मैं अपनी युवावस्था में इस भ्रम में था कि मैं परमेश्वर को अपने जीवन में हर एक बात में हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। मैं प्रार्थना में भी यही कहा करता था कि वह मुझे यह दे या केवल वह दे, या मेरे लिए यह करे या वह करे, परंतु मैं अपने उद्देश्य उस पर प्रकट नहीं करता था। मैं सोचता था कि ऐसी प्रार्थना अधिक अच्छी है। मेरे प्रियो, मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि मैंने उसे अपने उद्देश्य कभी नहीं बताए, क्योंकि वह मेरे उद्देश्य पहले ही से जानता था। वह मन के विचार और सब कुछ उसके सामने खुला है। मेरे मित्रों, आपका जीवन उसके सामने खुली किताब है। मुझसे लोग पूछते हैं, क्या हमें परमेश्वर के समक्ष सब कुछ कहना है? क्यों नहीं, वह तो सब कुछ जानता है। इसलिए यदि आप उसे बता दें तो अच्छा ही होगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी बातों को उसके सामने अपने मुख से कहें, उसे स्वीकार करें, ताकि परमेश्वर हमारी आवश्यकता के अनुसार हमें दे सके। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा पिता से मांगता है और उसकी आवश्यकता के अनुसार पिता उसे देता है, परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है और वह चाहता है कि हम उसके समक्ष उन बातों को कहें। इतना ही नहीं, कई बार हमारे जवान भाई बहन ऐसा काम करते हैं जो उचित नहीं है, और वे सोचते हैं कि उसे कोई नहीं जानता है, यहां तक कि परमेश्वर भी, परंतु वे भूल में हैं। परमेश्वर सब कुछ जानता है।
वह सब कुछ देखता है और चाहता है कि आप उससे फिर जाएं। मेरे प्रियो, आइए आज हम इस बात का निर्णय लें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु, मैं सब कुछ आपके सामने कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, आप मेरी सहायता करें।